मात पिता परमात्मा मात पिता परमात्मा निपति शिवा गुरु ज्ञान इनसे हिलमिल चालिए भई वो नर चतुर सुजान। संसार सागर है अगर संसार सागर है अगर माता पिता एक नाम है। जिसने भी की तन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है। बोले संसार संसार सागर है अगर माता पिता एक नाव है। और जिसने भी की तन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है। बोले जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। क्योंकि माता पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है। दुनिया में सब कुछ आदमी खरीद सके सब कुछ मिल जावे पर माँ बाप और भगवान की प्राप्ति दुनिया में एक बार जोया करे। और वो भी यदि मौको गंवा दे आदमी यदि माँ बाप या सासू ससुरो जी सेवा करवारो मौको यदि आदमी गंवा दे तो पाछो वो कोई सपना में नहीं मिलो इन बात की गारंटी। शरण कुमार माता पिता री भक्ति में शरण कुमार रो नाम इन दुनिया में अमर वेगी। और भक्तमाल में माँ बाप री सेवा में शरण कुमार रो नाम स्वर्ण अक्षरों में प्रथम पंक्ति में लिखियो जावे। बेटा तो आगे भया निकल जुग बीच अनेक दे शरवर सा संसार में भई हुआ न हो सीए। हाँ जी ओ बेटा शर्वणी पानी डोबी लाई। अरे वन में बेटा प्यासी लगी। पानी डूबी लाई मन में बेटा प्यासी लगी। ओ बेटा ओ बेटा सजवनी पानी डूबी लाई मन में बेटा प्यासी लगी। ना कोई एक हुआ बावड़ी, ना कोई समुद्र तालाब। शरण कुमार मन में उदास हो गयो, कटे कोई पानी री जगह मिली नहीं, कोई कुओं, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कुछ भी नहीं मिलियो। तो शरण कुमार मन में परेशान हो गयो, उदास हो गयो कि मारे माँ बाप री आज्ञा री पालना की कर पूरी कर सकूला। और चार पंक्तियां मां वास्ते प्रस्तुत कर रही हूं, विशेष रूप में आप लोग ध्यान दे रहे जो, धन्यवाद। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। अच्छी है तो कितनी प्यारी है, तो कितनी भोली है, तो प्यारी प्यारी है। ओ, ओ, शरण कुमार ने फुगला उड़ता उड़ता देखा कि वे ऊंचा नीचा कदम के ऊपर फुगला उड़ उड़ जाए। और तब श्रवण ने मन में धारी कि अब जड़ पाऊं मारी मां। श्रवण कुमार उन दिशा में चलियो और सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी ने देखी, श्रवण ने बड़ी खुशी हुई। सरयू नदी के किनारे श्रवण कुमार जा रही हूं, जल भरन लागो। पर उन्हीं जीवन में अयोध्या राजा राजा दशरथ शिकार खेलने वास्ते आवे और एक पेड़ री आड़ में खड़ा, हाथ में धनुष तीर लियोड़ो। और शरण कुमार उठीने पानी भरण वास्ते गयो, जय पानी भरन लागो। और थोड़ी सी आवाज आई कदमों री, पत्ता हिलिया, सूखा पत्ता माते शरण कुमार जो चली हो तो पत्ता थोड़ा घड़ा आवाज आई, पत्ता हिलिया। राजा दशरथ जी ने खड़ो मन में विचार करियो कि हो नहीं हो कोई मारो शिकार उन जगह माते आई गयो है, कोई जीव जनावर पानी पीवण वास्ते उन जगह माते आयो। और राजा दशरथ अपने शिकार के चक्कर में, अपने शिकार के शौक में, कोड में एक शब्द भेदी बाण उन दिशा में छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, और वो बाण श्रवण कुमार ने कलेजे ने चीर तो वो पार वे गया। बोले ले झारी अब सरवन चलो सरवर रे पास, सरवन चालो कयो सरवन पा अचाये नीर चकोरियो रे दशरथी मारो शक्ति वाणी मन में बेटा क्या सी लगी हो बेटा सरवन हो बेटा सरवन पानी तो बेटा आई मन में बेटा क्या सी लगी। श्रवण कुमार रे बाण लागो तीर लागो, श्रवण कुमार मूर्छित हो गिर गयो। और मूर्छावस्था में श्रवण कुमार ये आवाज निकली, बोले और आदमी री आवाज सुनी। राजा दशरथ रे पैरों नीचू जमीन निकल गई। राजा दशरथ भाग्यो भाग्यो जान देखे तो राजा दशरथ रो खुदरो भांजो श्रवण कुमार मौत और जिंदगी रे बीच में झूल रियो है। बोले अरे दशरथ वहां से थालियो रे आयो सरवण रे पास, विधाता क्या कर डाला बाण जा रे मारो में तो पानी मन में बेटा प्यासी लगी ओ बेटा सरवण ओ बेटा सरवण पानी दो पिलाई मन में बेटा प्यासी लगी। विशेष बात इन भजनरी प्रस्तुत कर रही हूँ, विशेष रूप हूँ। आपने कम से कम आज की रात में भक्ति संगीत में नाच कूद सब कुछ हुआ, पर आज इन भक्ति संगीत में विराजमान समस्त महानुभावों ने एक अनुरोध करूंगा कि कम से कम कुछ बातों अपने जीवन में जरूर उतारे तो प्रतापपुरी जी महाराज रो आयोजन सफल वेला, आप लोगों रो आयोडो सफल वेला, आप लोगों रो जागोड़ो सफल वेला, मारी हाजरी सफल वेला, सब कुछ सफल वेला। और विशेष बात आ कि श्रवण कुमार रो नाम दुनिया में अमर क्यों होयो। राजा दशरथ जान देखे तो श्रवण कुमार ने आंखों में आंसू आ रहा। राजा दशरथ सार संभाल ली, श्रवण कुमार रो रियो, आंखों में आंसू आ रहे। श्रवण कुमार तीर लागोड़ो बिल्कुल मूर्छित अवस्था में, लेकिन आंखों में आंसू रुक नहीं रहा। राजा दशरथ आंखों में आंसू साफ किया और श्रवण कुमार एक बात बोली, देखो मैं निवेदन थोड़ा ध्यानपूर्वक सुन लो। श्रवण कुमार बोलियो कि मामा मारी आंखों में आंसू देख न आप ओ मत जानजो कि मने मरने रो गम एण वास्ते मने आंखों में आंसू है। आप यूं मत समझो कि मैं मर रियो हूं और मरने रो मने दुख है, इन वास्ते मारी आंखों में आंसू है। और मारी आंखों में आंसू तो इन कारणों है कि मारा माँ बाप, मारा माता पिता मने काम कयो, मारा माता पिता मने आज्ञा दीवी, परंतु मैं मारी माता पिता री आज्ञा री पालना पूरी नहीं कर सकियो, मने दुख इन बात रो है, इन वास्ते मारी आंखों में आंसू। और श्रवण कुमार बोलियो कि मामा एक मारो छोटो सो काम कर दीजो, मारा माँ बाप प्यासा बैठा है, अंधा बैठा है, और आप वो पानी थोड़ा पिला दीजो तो हमारी आत्मा ने शांति मिल जावेला, हमारी आत्मा ने मुक्ति भेजा वेला। आरती बात कर श्रवण कुमार प्राण पंखेरू उड़ गए, उड़ गए। श्रवण कुमार हंसो शरीर ने छोड़ और परलोक की तरफ, स्वर्ग की तरफ गमन कियो। और मर तो शरवण बोलियो रे सुनवा मारी बात, मर तो शरवण बोलियो, बोलियो रे ओ बेटा शरबड़ी, ओ बेटा शरबड़ी पानी नो पियाई, मन में बेटा प्यासी लगी। और राजा दशरथ निराश मन, राजा दशरथ निराश मनो वह पानी री झारी ले अंधा मां बाप कने पहुंचियो। पैररी आवाज सुनी, वे तो अंधा था और आहट आई तो लागो कि श्रवण शायद आयो है। अंधा मां बाप बोले कि बेटा श्रवण तू आयो। राजा दशरथ कोई जवाब नहीं दे, क्योंकि बारे कने तो उत्तर ही नहीं, तो जवाब दे कहीं। दूसरी बार पूछियो कि बेटा श्रवण पानी मिलियो तू आयो। राजा दशरथ बिल्कुल चुपचाप। तीसरी बार पूछो कि बेटा श्रवण पानी नहीं मिलियो तो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बोल तो सही, या फिर तू श्रवण है ही नहीं, या और ही कोई आयो है, या तो श्रवण है नहीं तो है कौन। और इतनी बात करते ही राजा दशरथ बोले कि हाँ हाँ मैं श्रवण नहीं, पर श्रवण काल जरूर हूं। और मारे आ तो थारो बेटो इन दुनिया में नहीं रहो। इतनी बात सुनी अंधा मामा मोटी मुर्ची तो पड़ गया। और मरता मरता राजा दशरथ ने बोला कि राजन, जिन प्रकार पुत्र वियोग में मैं मारा प्राण त्याग रिया थारे चार चार संतान वेला, थारे चार चार औलाद वेला, पर अंत समय में थारे कने कोई नहीं वेला। थने भी पुत्र वियोग में निज प्रकार तड़प 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 तड़फ कर मरनो पड़ेला। वो मारो शाप है। और दे हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, बोले श्रवण कुमार। प्राण त्यागया वे पंदा माँ बाप बोलिया कि जिन प्रकार पुत्र वियोग में मैं मरियो मारे बेटा रे मारे। और दूजी बात की तीर्थ करियोड़ा काम कहीं आया, जियोड़ो काम कहीं आयो, आख्या मिलियोड़ी काम कहीं आयो। मारो बेटो जिन्हें देखनो वो इन दुनिया में नहीं तो सब कुछ कई काम का। और थने भी पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा। राजा दशरथ ने शाप दे। परंदा माँ बाप उठे उन जगह माथी अपना प्राण त्याग दिया। और लिखो अरे नहीं श्रवण की बोल कही जे, नहीं श्रवण की चाल, नहीं श्रवण की बोल कही जे, नहीं श्रवण की चाल। अरे माता पिता तो स्वर्ग सिधाया दशरथ ने, दिनों बटे मन में बेटा प्यासी लगी। ओ बेटा श्रवणी, ओ बेटा श्रवणी पानी दो पिलाई, मन में बेटा प्यासी लगी। और अंत में एक संदेश हमारा युवा साथी जितना भी बैठा है, युवा वर्ग जितना भी लोग बैठा है, पर अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहे, कुछ यदि प्राप्त करना चाहे या कुछ देना चाहे तो माता पिता रे चरणों में भोग दीजो। और कुछ लेना चाहे तो माता पिता रो आशीर्वाद लीजो। और माताओं बहनों ने भी निवेदन है कि मातृशक्ति विराजित है, जेड़ा अपना माँ बाप है बेड़ा ही सास ससुर है, कोई फर्क नहीं। यदि अपने माँ बाप रे प्रति मन में थोड़ी सी भावना ज्यादा हुए और सास ससुर थोड़ी सी ओट रखो तो भी कोई चौकी बात नहीं, दुराचारी से। माँ बाप और सास ससुर बराबर है, एक समान है। बच्चियां बैठी है, बालिकाएं बैठी है, मैंने भी विनती करूला कि यदि भी सास ससुरों आशीर्वाद मिले तो सेवा जरूर करजो। क्योंकि हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके इसी बात को मत भूलना। हर बात को भूलो माँ बाप को मत भूलना उपकार